हेलो गाइस, दिस इज मी मौर्सेकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस एन ट्यूशन। और गाइस, हम लोग वापस आ गए हैं वंस अगेन एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके, जो कि क्लास 10th के लिए है। और खास करके बोर्ड एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर जो है उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुका है, सो फार जितने भी बोर्ड एग्जाम सो फार हो चुके हैं, मीन्स ज़्यादा नहीं बट हाँ 2012 से लेकर के 2019 तक जो भी बोर्ड एग्जाम में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से जो क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने उनका एक कलेक्शन लेके आया हूँ और उनको मैं पार्ट वाइज में डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, साइंस का जो क्वेश्चन होता है वो बहुत रिपीट करता है प्रीवियस ईयर से मैच करके। तो अगर आप ये वीडियो सारे पार्ट का देख लोगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 90% से ज्यादा चांसेस है कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाइएगा, और ना सिर्फ अटेम्प्ट बल्कि सही आंसर लिख पाइएगा, और आपको कुछ ना कुछ तो रफ आइडिया मिल ही जाएगा इससे अबाउट। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो 1 से 2 नंबर में आता है। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वी नीड टू बैलेंस आवर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इक्वेशन लेते हैं, तो जो स्केलेटल इक्वेशन होता है वो अनबैलेंस्ड होता है, बट फिर बाद में हमको बैलेंस करना पड़ता है। जैसा कि आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े भी होंगे, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, कैसे आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हो, ठीक है ना, और कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये बैलेंस करने का जरूरत ही क्यों पड़ता है, ये एक इंटेक्स क्वेश्चन भी है आपका एनसीईआरटी में। अगर आप देखोगे तो एक इंटेक्स क्वेश्चन है कि व्हाई एवरी केमिकल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, या एवरी केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो इसके पीछे का रीजन है कि हर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि क्लास 9 में हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, जिसके अकॉर्डिंग था कि मास और मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में कम नंबर ऑफ मोल्स है और प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, इसका मतलब कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मोल्स क्रिएट हुआ है। और अगर रिएक्टेंट साइड में ज्यादा है और प्रोडक्ट साइड में कम है, इसका मतलब सर्टेन नंबर ऑफ मोल या मास जो है रिएक्टेंट का वो कम हुआ है, जबकि हमको पता है कि जो रिएक्शन है उसमें ना ही मास बढ़ सकता है ना ही मास घट सकता है, क्योंकि मास को तो ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसीलिए हर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का जरूरत पड़ता है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन आर अनबैलेंस्ड, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड इन ईच एंड एवरी केमिकल रिएक्शन। हर केमिकल रिएक्शन में वो बैलेंस्ड होना चाहिए और जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल लिस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल इन्फॉर्मेटिव। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कैसे आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो, या एक क्वेश्चन इसको और ट्विस्ट करके हो सकता है इस बार एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि बताइए क्या क्या वे है जिससे हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कन्वे किया जा सकता है। तो देखो, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, जो रिएक्टेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एक केमिकल रिएक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2H2 जो गैसियस स्टेट में है, और फिर O2 है वो भी गैसियस स्टेट में, और वो 2H2O देता है जो कि लिक्विड स्टेट में है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसका फिजिकल स्टेट को डिनोट किया जा रहा है ब्रैकेट में स्मॉल जी से और एल से। अगर स्मॉल जी से डिनोट किया जा रहा है मतलब उसका स्टेट जो है वो गैसियस स्टेट है, और जो एल से डिनोट किया जा रहा है इसका मतलब ये लिक्विड स्टेट है। तो इस तरीके से जो केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाएगा तो ये पता चलेगा जो पढ़ने वाला है या जो उसको रीड कर रहा है उसको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये जो रिएक्टेंट है वो उसका फिजिकल स्टेट क्या है। सेकेंड, कंडीशन इन विच रिएक्शन टेक्स प्लेस आर रिटन ऑन द एरोहेड, और उसके बाद एरोहेड में कंडीशन लिखा जाता है कि वो रिएक्शन को कैरिड आउट करवाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है। क्योंकि देखो, बहुत सारा रिएक्शन जो होता है ना वो अपने आप नहीं होता है, उस रिएक्शन को कैरिड आउट करवाने के लिए थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको देना पड़ता है, और वो थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप कैसे देते हो, तो या तो आप हीट करते हो उसको, गर्म करते हो, या आप हॉट वाटर के यूज करते हो, क्योंकि हॉट वाटर में क्या है एक एनर्जी है हीट के फॉर्म में, तो फिर रिएक्शन कैरिड आउट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको क्या किया जा रहा है, बर्निंग। बहुत सारा आप एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें कैटलिस्ट अगर यूज किया जा रहा है तो वो कैटलिस्ट को इंडिकेट किया जाता है, एक सर्टेन टेम्परेचर अगर उसके लिए स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड होता है कि इतना से इतना टेम्परेचर के बीच में उसको हीट करना है तो वो भी एरो के ऊपर लिखा हो रहता है। तो ये कुछ कंडीशंस और कुछ फिजिकल स्टेट यूज करके आप जो केमिकल इक्वेशन है उसको और ज्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो फॉलोइंग रिएक्शन है इसमें आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है।
तो देखो एक बहुत ही इजी ट्रिक है, आप लोग को याद रखना चाहिए कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। एकदम ये जस्ट वाइस वर्सा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जो रिडक्शन करने में हेल्प किया, और रिडक्शन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या तो हाइड्रोजन ऐड हो तो उसको रिडक्शन बोलते हैं, तो जो इसमें मदद करता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यानी ठीक उल्टा, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा और जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसको याद रखिए, मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए कि जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आपको यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दिख रहा है, 3MnO2 + 4Al, और वो क्या दिया, 3Mn + 2Al2O3। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंगनीज के साथ O2 जुड़ा हुआ है, और अगले रिएक्शन में वो क्या हो रहा है, Al2O3 के साथ यानी एल्युमिनियम के साथ जुड़ गया। इसका मतलब एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यहाँ पे सिर्फ एल्युमिनियम था और उधर जाके वो एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया यानी Al2O3 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है एल्युमिनियम में, तो वही मेरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में एल्युमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है उसको बैलेंस्ड करके याद कर लीजिए कैसे होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 6CO2 + 6H2O सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 देता है और 6O2 देता है। यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में लिया जाता है, H2O लिक्विड स्टेट में लिया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, और फिर C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है वो सॉलिड फॉर्म में बनता है, और +6O2 जो कि गैसेस फॉर्म में होता है। नाउ व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है प्रोसेस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, तो देखिए इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमाटा आर ओपन एट नाइट। जो स्टोमाटा होता है वो रात के टाइम पे खुलता है। क्यों रात के टाइम पे खुलता है, क्योंकि दिन के टाइम में वो बंद रहता है, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी होता है कि अगर वो ओपन हो जाएगा तो सारा जो वाटर है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए लॉस हो जाएगा। तो दे टेक CO2 एट नाइट एंड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिड एंड इज यूज ड्यूरिंग डे टाइम फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से आपको ये NCERT और साइड बुक्स में भी नहीं मिला होगा, और अभी तक आपके लिए एक नया क्वेश्चन होगा कि जो डेजर्ट प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेता है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस तो दिन में ही परफॉर्म होता है, लेकिन उस ड्यूरिंग वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, क्योंकि अगर वो स्टोमाटा का अपना जो पोर्स है उसको ओपन करेगा तो बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा और पूरा वाटर लॉस हो जाएगा। और डेजर्ट एरिया में आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत मुश्किल से मिलता है, सॉरी वाटर बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, तो उस केस में वाटर लॉस से बचने के लिए जो स्टोमाटा पोर्स होता है वो क्लोज्ड ही होता है, ठीक है ना, और वो रात के टाइम में खुलता है और वो उसको CO2 पे एब्जॉर्ब करता है और एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, और ड्यूरिंग डे उस जो एब्जॉर्ब CO2 है उसको यूज करता है फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए। नाउ ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए, और बल्कि यही नहीं बल्कि चारों टाइप का आपको केमिकल रिएक्शन याद होना चाहिए, कि आपको लिखा हुआ रहेगा वहां पे इक्वेशंस और बताना होगा आपको कि ये कौन सा टाइप का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपको वहां पे बताना होगा। तो आप एक जनरल फार्मूला बना लीजिए, या मैं नोट्स में दे दूंगा जनरल फार्मूला जो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे कि पहला रिएक्शन देखिए, CO + H2O, रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट एक बना, तो जब भी दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट देने के लिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे। सेकेंड वाला में देखिए, BaCl2 है और Al2SO4 है, यानी बेरियम क्लोराइड है और अल्मोनियम सल्फेट है, और उधर फिर बेरियम सल्फेट है और अल्मोनियम क्लोराइड है। तो जब भी ऐसा चार चीज प्रेजेंट होगा, दो इधर भी और दो उधर भी, मींस दो रिएक्टेंट में भी और दो प्रोडक्ट में, और आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट, ठीक है ना, क्लोराइड जो था वो बेरियम के साथ था वो अब एल्युमिनियम के साथ है, और सल्फेट जो एल्युमिनियम के साथ था वो बेरियम के साथ है। तो जब भी एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट्स होगा या एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा कलर चेंज और प्रेसिपिटेशन जिस रिएक्शन में फॉर्म होता है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट में होता है और डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो अगर कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कलर चेंज हो रहा है, तो अगर उसमें ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ये भी आप मार्क कर लीजिए।
नेक्स्ट वाला है 2FeSO4 हीट दिया गया, वो टूटा है Fe2O3SO2 और SO3 में। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट से तीन प्रोडक्ट फॉर्म हुए, यानी ये टूटा है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। नाउ अगला रिएक्शन है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंज टेक्स प्लेस। अच्छा, एक एक एग्जाम्पल जरूर से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन अगर होगा तो आपको कैसे पता चलता है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो चार पांच पॉइंट्स हैं, जैसे कलर में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, प्रेसिपिटेट का फॉर्म आना होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस होना, ठीक है ना। तो ये सब जो टाइप है वो आपको याद रखना होगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन होने का, और उससे रिलेटेड एक एक एग्जाम्पल आप खुद से अपने से, जो भी इजी, जरूरी नहीं कि जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एग्जाम्पल वही, बल्कि आपको जो इजी रिएक्शन याद है वो आप जरूर से कर लीजिएगा, सारा कैरेक्टरिस्टिक का एक एक रिएक्शन जहां चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है एंड ऑल, ठीक है ना। तो Cu सॉलिड है और 2AgNO3 एक्वस स्टेट में, और वो कन्वर्ट हुआ CuNO3 में और 2Ag में, और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, द सॉल्यूशन विल बिकम ब्लू इन कलर एंड साइनी सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिटेड। तो इस तरीके से कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगला है टेम्परेचर चेंज वाला, तो क्या है, NaOH और HCl है जो कि NaClH2O हीट दिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा। तो जितना भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होता है वो क्या करता है, रिएक्टेंट का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देता है। तो ये एक एग्जांपल है, और दूसरा वाला आपका प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है। तो जरूरी नहीं जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है वो रिएक्शन आप याद करें, लेकिन हाँ जितना भी कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है केमिकल रिएक्शन होने के, अगर वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके, हर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आप एक अपने से तैयार कर लीजिए एक एग्जांपल जो आप उसके लिए लिखिएगा। एग्जाम में कोई भी तीन कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा या दो आएगा या एक भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है।